नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे दावे किए हैं जिनको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। इंडिया गठबंधन के इन दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी जीत गई तो 2-3 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। ये लोग जीत गए तो संविधान बदल देंगे। वहीं उन्होंने अपनी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2-3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे। अमित शाह के सामने जो बाधा बने उनका पत्ता साफ किया गया। शिवराज, रमन सिंह, फडणवीस, खट्टर, राजे, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो इनके लिए कांटा बन सकते हैं, तो इनको भी हटाने का पूरी तरह से प्लान बना लिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी 400 पार सीटें मांग रही है। उनका कहना है कि बड़ा काम करना है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग संविधान को तार तार करने के लिए 400 मांग रहे हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी को 220 से कम सीटें मिलने वाली हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, बंगाल, UP, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यहाँ सीटें कम हो रही हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, आंसुओं की नदी उफान पर है। बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, वो आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेगी। जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन पहले संविधान बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हटाने जा रहा है। केजरीवाल और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इंडिया गठबंधन फ्लॉप होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये उन भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है जिन्हें लोगों ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी यूपी में शून्य है और अरविंद केजरीवाल यूपी में अप्रासंगिक है। बीजेपी देश में 400 सीटें और राज्य में 80 सीटें जीतने जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद और अखिलेश के दावों में क्या सच्चाई है और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।